किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के कौसा कब्रस्तान के ट्रस्टियों पर सोशल मीडिया में गुंडा और बेईमान लिखकर पोस्ट करने वाले शादाब शेख के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत ट्रस्टियों ने दर्ज कराई है। ये शिकायत कौसा कब्रस्तान के ट्रस्ट के अध्यक्ष हारून राउत ने दर्ज करवाई है। इनके साथ में जनरल सेक्रेटरी लियाकत ढोले, रफीक अजमल, मुनाफ राउत भी मौजूद। कौसा कब्रस्तान के ट्रस्टियों के बारे में फेसबुक पर शादाब शेख ने लिखा है कि ट्रस्ट में कोई गुंडा है तो कोई बेईमान। बताया जा रहा है कि शादाब शेख एनसीपी का कार्यकर्ता था और काफ़ी महीने पहले रशीद कंपाउंड चरनीपाड़ा में एनसीपी कार्यालय भी से खोल कर दिया गया था, मगर किसी बात से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसके कार्यालय को बंद करवा दिया। ट्रस्टियों का कहना है कि शायद इसी बात से नाराज होकर सोशल मीडिया में ट्रस्ट के जिम्मेदारों को गुंडा और बेईमान ये लिख रहा है। बहरहाल मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इनकी शिकायत पर मुंब्रा पुलिस ने एनसी दर्ज कर ली। शादाब शेख करके एक है कार्यकर्ता समझो झोलझाल वाला है। कौन सी पार्टी का है? पार्टी बेटी कुछ नहीं उसका, सब पूरे जो पार्टी मिली उसका वो रहता है। तो क्या उसने क्या किया था वो? उसने कल ऐसा है ना, हम लोग ट्रस्टी लोग के बारे में बेईमान और चीटर करके लिखा फेसबुक पे, तो मेरे बच्चे ने उससे बहुत बात भी किया, यानी मैं भी बात किया, तो बोलता लिखा जाओ तुमसे जो होता वो कर लो। तो हम लोग आए सुबह में कंप्लेंट दिए इधर। तो कंप्लेंट हो चुकी है आप लोग? हाँ हो चुकी है। इन्हें खाली बेईमान है ऐसा लिखा, बेईमान और कोई गुंडा है, गुंडा है कोई बेईमान है। पहला कुछ बात विवाद था? कुछ नहीं, बल्कि पहला तो मैं बचाया था उसको। एक लड़की के मैटर में आए थे मारने, उसको चाकू छुरी लेके आए थे, मैं इसको उधर बहुत थप्पड़ मारा, लियाकत भाई बचाओ कर रहा था, लेकिन मैं उसको बचाया। वो गलती किया मेरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, वो बचाया। ये बातें जो ना, इस पर कोई हकीकत नहीं है भाई। बेवजह कोई बक्के निकल गया वो, और उसके खिलाफ हमने कंप्लेन किए है। अगला काम पुलिस का है, कभी हम उसको देखे भी नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। मैंने अभी उसकी शक्ल से वाकिफ नहीं हूँ मैं, कौन आदमी है क्या है मतलब भाई, और हमसे उसको क्या परेशानी भी नहीं मालूम मतलब भाई। फेसबुक पे लिखने के बाद आपकी क्या उससे बातचीत वगैरह कुछ हुई? नहीं, मैंने अभी भी कहता हूँ मैंने उसको देखा ही नहीं, सिर्फ मैं देखा हूँ फेसबुक पर मतलब भाई, उसने जो लिखा है वो असल में कौन है मुझे नहीं मालूम है भाई। हाँ, उसमें क्या है कि उसने जो लिखा है जुमला वो बहुत ही हतक काम है, यानी लोगों को बहुत ही जिल्लत वाली बातें कही हैं, किसी को गुंडा तो कोई उसमें बदमाश या कोई चिटर, ये ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं उसने जो फेसबुक पे। मैं समझता हूँ कि ये मुंब्रा के कुछ ऐसे लोग हैं जो बेजा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ऐसे, हाँ शादाब नाम लिखा है उसने, और जो अल्फाज लिखा है मैं समझता हूँ कि ट्रस्टियों में हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे सदर भी हैं, सेक्रेटरी अपने लियाकत ढोले साहब हैं, ये लोग जो है मैं समझता हूँ कि पूरा वक्त वो कब्रिस्तान के लिए दे रहे हैं। मैं जहाँ तक के जानकारी रखता हूँ, अभी कल भी हम लोगों की मीटिंग थी, उसमें क्या चीज़ की कमी है, पानी की कमी थी, फ़ौरन उसे फ़ोन करके लाना ले जाना, मेहनत करते हैं बगैर, और इन लोगों का कोई वो पेड वर्कर नहीं है कोई भी, और ना ही कोई उसे क्यों लिखा उसने वो ऐसे। मैं तो ये समझ जाँच वाँच क्या है, मैं एक समझता हूँ कि मुंब्रा में मैं रहता हूँ, यहाँ के नौजवानों की मैं ज़हनियत समझता हूँ, ये किसी से किसी का गुस्सा कहीं से, ये पार्टी में कहीं भी रहे होंगे या किसी के साथ, कि वो एनसीपी का जो है कार्यकर्ता है और अब ये तो देखिए उसको हम लोग कार्यालय भी खोला हुआ था। हाँ, कार्यालय खोला था वो बाई फेस, तो हम लोग उतना जानते नहीं, लेकिन ये मालूम हुआ कि वो कहीं ना कहीं, हाँ ये एनसीपी का अपना ऑफिस भी खोला था, और उसके काम ठीक ठाक नहीं थे, वो खोल करके लोगों को गुमराह करना, लोग बंद करवा दिया गया है, तो इसीलिए हो सकता है कि उस गुस्से में आकर के उसको मालूम भी नहीं होगा कि इसमें ट्रस्टियों में कौन लोग हैं। इसमें देखिए मौलाना अब्दुल हकीम साहब जो है वो जामिया के वो हैं,
और मौलाना अजहर हैं, बहुत सारे उलमा, एक जामे मस्जिद के इमाम हैं, वो नायब सदर हैं, मैं हूँ उसमें। लेकिन हम लोगों के बारे में इस तरीके से ना बगैर सोचे समझे कोई चीज़ लिख देना, ये गलत बात है। मैं आइंदा आपके ज़रिए से, ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से, यहाँ के अमाम और नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि बग़ैर कोई चीज़ की तहकीक के आप व्हाट्सएप पे ऐसी बात मत डालें, वरना जो सज़ा आज महन शादाब के लिए और पुलिस ने कहा है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।